स्वागत है आपका फिर से एक बार माँ के लाडले का खजाना। और आज हम आपको सिखाएंगे कि होटल वाली कोल्हापुरी की सब्जी कैसे बनाते हैं। बट उसके लिए मैं पहले आपको थोड़े से इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, थोड़े से ज्यादा है। फॉर वेजिटेबल्स वी हैव, हमारे पास मटर है, हमारे पास शिमला मिर्च है, गाजर है, फ्रेंच बीन्स है, पनीर है एंड बॉइल्ड कॉलीफ्लावर है। ये सब हाफ हाफ कप लेना है। दो टमाटर, तीन ऑनियंस, थोड़े से कैश्यूज, वन एंड हाफ स्पून बटर, 2 स्पून हमने क्रीम लिया है, 3 हमने मिर्ची ली है, 5 लहसुन है, 1 अदरक है। जो कोल्हापुरी एकदम ही बहुत ही तीखी होती है वो इस मिर्ची के वजह से होती है, तो आपको जितना तीखापन पसंद हो उसमें ये आप डाल सकते हो। थोड़ा सा इस तरफ जीरा 1/2 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, चम्मच 1 स्पून, हल्दी 1 स्पून, लाल मिर्च 1 स्पून, ये कसूरी मेथी है ये भी आपको 1/2 स्पून लेनी है, और ये जो है ये है कांदा और गार्लिक का जो पाउडर रहता है इसको भी 1/2 स्पून लेना है। तो एकदम बहुत ही सिंपल से स्टार्ट करना है। हमें क्या करना है, हमें मिक्सचर में हमें ये टमाटर डाल देने हैं और जो भी हमारे पास कैश्यूज है उसको डाल देने हैं, और ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 इसको एकदम ही हमें पीस डालना है मिक्सचर में। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे एंड इसमें ध्यान से रखना हम डालेंगे 2 मिर्ची डाल देंगे, 5 जो हमारे पास लहसुन है और अदरक, और इसके बाद हम डालेंगे जो हमने ऑनियंस डाले थे इसको डाल देंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से सातड़ लेंगे। तो उसको 5 मिनट्स लगेगा, तब तक वीडियो पॉज कर देंगे ना। तो ये जो ऑनियंस रहेंगे ना वो थोड़े से गोल्डन कलर के हो जाएंगे, तो जैसे आपको लगता है ये गोल्डन हो गया आपको गैस बंद कर देना है और अराउंड 5 मिनट्स हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसको वापस से मिक्सर में डाल देंगे सबको वंस इट गेट्स कूल, और हम इसको वापस से ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो बेसिकली उसके बाद आपको रुकना इसके लिए है कि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि वरना आप गरम गरम उसमें डालोगे तो इट माइंड बी कि वो बर्स्ट आउट हो जाए, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना तो आप देखोगे तो ग्रेवी आपकी ऐसी रेडी हो जाएगी। आफ्टर दिस क्या करना है, हमें सेम कढ़ाई ली है और 1.5 चम्मच ऑयल में डालूंगा इसमें, एंड इसको हाई फ्लेम पे रखना। एंड इसके बाद मैं मटर डालूंगा, मटर के बाद गाजर के बाद फ्रेंच बीन्स, और इसको थोड़ा सा हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। वो तलने की आवाज आ रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी, सो दैट मीन्स ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। अच्छा, मेरा एक फ्रेंड होटल इंडस्ट्री में, वो कहते हैं कि जो भी वेजिटेबल्स होते हैं ना वो लोग वहाँ पे डीप फ्राई करके रखते हैं, बट हम लोग इसको खाली हल्का सा फ्राई कर देंगे। आफ्टर दिस शिमला मिर्च, उसके बाद ये बॉइल्ड हुए कॉलीफ्लावर्स हैं, एंड आपको उसको अच्छे से स्टर कर लेना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें पनीर डाल देंगे। एंड आफ्टर दिस हल्का सा नमक स्वाद अनुसार, और 2 मिनट्स के लिए हम इसको स्टर करते रहेंगे। ओके, दैट्स इट पीपल। ओके पीपल, सो जैसे ही आपका फ्राई हो जाएगा आपको इसको एक प्लेट में ले लेना है, तो मेक श्योर आप फ्राई अच्छे से कर रहे हो, डीप फ्राई भी करोगे तो भी चलेगा बट आई वोंट सजेस्ट। इसके बाद हम लेंगे 1 चम्मच ऑयल, उसके बाद 1.5 चम्मच बटर डालना है, ये टेस्ट इसका यम हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा
ज्यादा कर रहा हूँ, बट आप मेक श्योर आप मीडियम फ्लेम में कर रहे हो। इसके बाद जीरा एक टेबल स्पून, मतलब जो बहुत ही छोटी वाली आती है ना स्पून, वो डालनी है। और इसको अच्छे से यू विल मेक श्योर कि आप इसको देखो बटर जो है वो पिघलना स्टार्ट होगा। उसके बाद दो तेज पत्ता, तेज पत्ता के बाद ये कश्मीरी मिर्च है, ये दो दालचीनी, चार टुकड़े मरी के हैं, तीन इलायची डाली है और दो लौंग डाली है। इसको हम इकट्ठा डाल देंगे एंड विल मेक श्योर कि अच्छे से टेस्ट आ जाए। आफ्टर दैट हम ये मिर्ची डाली है, ये आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतना डाल सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट मैंने एक ही मिर्च डाली क्योंकि मुझे तीखा थोड़ा सा कम पसंद है। इसके बाद जो ऑनियन वाली हमने ग्रेवी बनाई थी उसको मैं डालूंगा। उसके बाद हम ये जो छोटी वाली चम्मच रहती है, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, जीरा भी एक ही चम्मच मैंने पहले से लेके रखा है, सॉरी ये धनिया पाउडर है, और ये कांदा लहसुन वाला मसाला, एंड हम इसको स्टर करेंगे। मालवनी मसाला ना, मेरी बहन बोल रही है मालवनी मसाला भी डाल दो, बट आई एम नॉट क्वाइट ऑफ द ओपिनियन। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने जो टमाटर वाली ग्रेवी ली थी जिस एकदम स्टार्टिंग में आपको अगर याद होगा टमाटर और काजू वाली, हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे। और मुझे ये थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा हाफ कप। एंड इसके बाद क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, इसको ऐसे 5 मिनट्स ऐसे कुक कर लेना है और उसके बाद 5 मिनट्स इसके ऊपर लीड रख देनी है। अगर थोड़ा सा अगर उबाल आ भी रहा है तो व्हाट वी कैन डू इज, इसके बाद हमने जो भी सब्जी ली हमने पहले से फ्राई कर दी थी इसको, सॉरी थोड़ा सा गिर गया, बट यू प्लीज मेक श्योर आप अच्छे से कर रहे हो। इसके बाद हम आधी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, इसको अच्छे से कर देंगे, एंड हाफ कप धनिया और 2 चम्मच क्रीम डाल देनी है, और वापस से लीड रख देंगे इसके ऊपर और 10 मिनट्स कुक कर लेंगे। ओके पीपल, लेट मी टेल यू, खाना जब बना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है खुशबू, जो मुझे यहां से महसूस हो रही है, एंड यस आफ्टर दैट आप देखोगे ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक बाउल में ले लूंगा, ठीक है। टेल यू बहुत ही यम ये बना है, और जिस गार्निशिंग के लिए हल्का सा मैं इसको ऊपर से, बहुत ज्यादा नहीं खाली हल्का सा हम इसको ये डालेंगे। एंड यस पीपल लेट मी टेल यू, वेज कोल्हापुरी तैयार हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सारे सोशल मीडिया पे टैग करें, एंकर हर्षल और माँ के लाडले दा खजाना। थैंक यू सो मच पीपल, आशा करता हूँ सबको हमारा काम पसंद आया होगा।